91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर सुकंकन रॉय के साथ, जिनकी मूवी इस वक्त धूम मचा रही है। मूवी का नाम है साउंड ऑफ जॉय, जो नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, और इस मूवी के बारे में हमें बताएंगे नन अदर देन डायरेक्टर सुकंकन रॉय। सर शॉप तक आ गया, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त कोलकाता में, ऑलमोस्ट इंडिया में, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साउंड ऑफ जॉय की ही बातें हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आपके इस मूवी के बारे में, पूरा कोलकाता जानना चाहता है। ये मूवी जिस पे आधारित है स्वामी विवेकानंद, और उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, तो उनके खुद के करिश्मे इतने हैं कि वो खुद ही छाए हुए है। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। ओके, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है कि एक बच्चा है, वो म्यूजिक सीखना चाहता है, लेकिन जब वो म्यूजिक की आवाज से ज्यादा नॉइज होती है, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप कुछ बताना चाहें जो लोग सुन रहे हैं, कुछ इसके बारे में अगर आप बताएं इस मूवी के बारे में। अच्छा, ये क्या है, मॉडर्न कुछ बच्चे हैं जो उनके मॉडर्न एनवायरमेंट पे उनके खुद के क्राइसिस होते हैं, जो जनरली सारे बच्चे ये महसूस करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमें देखा गया है कि बच्चों में प्रॉब्लम्स है, वो है उनको कुछ कर दिखाना है, लेकिन आज के तारीख में जो सेलिब्रिटी बनने का जो चस्का लगा हुआ है चारों ओर, उसके वजह से बच्चों को ये डिफरेंस पता नहीं चल रहा है क्या उसको सही में वो चीज में एक्सेल करना है या सिर्फ फेमस होना है। तो ये मूवी में भी जो बच्चा है जॉय उसका नाम है, उसका भी यही रवैया है। वो पहले तो उसको फेमस होना था, तो उसको वायलिन प्लेयर बनना था बहुत बड़े, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वायलिन प्लेयर बनने के लिए कितना मेहनत और लगन चाहिए। ये मूवी में जो स्वामी विवेकानंद के बचपन के स्टोरीज है, वो सुनने के बाद उसे लगता है कि अगर लगन होगा तो ही जाके वो अच्छा म्यूजिक प्लेयर बन पाएगा। उसके लिए जो प्रैक्टिस है, प्रोसेस है, वो दिखाया गया है, और बहुत ही डाइल्यूटेड वे से दिखाया गया है ताकि बच्चों को पसंद आए। बिल्कुल। और उसमें उससे वो इंस्पायर होता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो सब भूल के सिर्फ म्यूजिक पे कंसंट्रेट करता है, तब जाके वो अच्छा प्लेयर बन जाता है। और ऐसा एक टाइम आ जाता है जब बहुत ज्यादा क्राइसिस होता है, एक स्ट्रिंग उसका वायलिन का टूट जाता है, इवन विथ थ्री स्ट्रिंग वो प्ले कर देता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत और लगन से सीखा था। तो ये मतलब मिरेक्युलस एंडिंग है स्टोरी का, जिस वजह से वो अच्छा एक वायलिन प्लेयर बन पाया, और तभी जाके उसको असली सारे अप्लॉज मिले। तब ये कर्व दिखाया गया है कि अगर मेहनत लगन से काम करो तो जाके तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, और उसका जो फल स्वरूप उसको अप्लॉज होगा। एक वेरी ट्रू सर, आप लोग जानते चाहिए वो नेशनल अवार्ड अपनी पे फॉर द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एंड टू अदर कैटेगरीज जो पे सेटा नहीं जुड़ी एक्टिव बॉलें भेवेल कखो कि नेशनल अवार्ड अपनी पे जाए जुड़ी एक्टिव बॉलें प्लीज। नेशनल अवार्ड मैंने फिल्म এই বছরে नेशनल अवार्ड तो साउंड ऑफ जॉय पेस, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। और National Award for us at this moment is a recognition, যেটা যে আমরা যে মাস্টার ডিটেকটিভ যে কমিউনিকেশন করতে চেয়েছি, it is we are on the right track. It's just a recognition for us that we are on the right track. এখানেই শেষ নয়, so we are taking it forward to another level, so that এই কমিউনিকেশন, এই মেসেজটা আমরা আরো different ওয়েতে বাচ্চাদের কাছে পৌঁছাতে পারি। প্রায় 40 লক্ষ লোক আপনাকে শুনছে অন ফ্রেন্ডস এফএম রাইট নাও, তাদেরকে কি বলবেন স্যার অন বিহাফ অফ সাউন্ড অফ জয় ইওর মুভি? সাউন্ড অফ জয় সবাই দেখুক, এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইটস আ পাবলিক ফিল্ম, ইটস আ ফ্রি ফিল্ম, ওটা নেটে আছে, ইন্টারনেটে, তো ফ্রি ডাউনলোড করতে পারতে পারে সব বাচ্চারা। আর আমি চাইবো কলকাতার সব মা বাবারা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বাচ্চাদের দেখান সেই ফিল্ম।
ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমাদের সাথে কথা বলার জন্য, খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। বেরিয়ে আওয়াছি নন আদার দ্যান ভেরি ট্যালেন্টেড ডিরেক্টর সুকানকান রয় কে, জিনকে সাথে আমারি বাতে হয়ে থি উনকে হি মুভি সাউন্ড অফ জয় কে বারে মে। 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম আড্ডা গান টোটাল ফান।